और बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है, आपको बता दें हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड जमानत मिली, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दी गई है। जमीन घोटाला मामले में जमानत मिली है हेमंत सोरेन को। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जमानत उन्हें मिल गई, झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को जमानत दी गई है। तो बहुत बड़ी राहत हेमंत सोरेन को यहां मिलती हुई दिखाई दी है। जमीन घोटाला मामले में वो फिलहाल अभी तक जेल में बंद थे, लेकिन अब झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद थे, लेकिन बड़ी राहत झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से हेमंत सोरेन को मिली है, जहां अब उन्हें जमानत दे दी गई है। तो हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत जो थी उनकी अब समाप्त होती है, क्योंकि इसी के साथ उन्हें दे दी गई है जमानत। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया के दिवाकर जुड़ रहे हैं मेरे साथ, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। दिवाकर, पूरी जानकारी। देखिए, हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और विधानसभा चुनाव से पहले हेमंत सोरेन को बड़ी राहत है, और ये माना जा सकता है कि जेएमएम और हेमंत सोरेन के लिए ये बड़ी राहत है। विधानसभा चुनाव 3 से 4 महीनों में होने हैं और लगातार जो है हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन याचिका लगाकर और जमानत की गुहार लगा रहे थे। आज फाइनली जो है हाई कोर्ट से हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। अभी जो है दोनों पक्षों से लगातार जो है दलीलें रखी जा रही थी और कोर्ट ने आज का दिन सुरक्षित रखा था, और आज जो है हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। जमीन घोटाले मामले में जो है हेमंत सोरेन जेल में है और उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था, और अब जो है हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। जेल से बाहर आ सकते हैं हेमंत सोरेन। तो राजनीतिक गलियारों में ये हेमंत सोरेन के जो समर्थक है उनके लिए बड़ी राहत है, हेमंत सोरेन के लिए राहत है, जेएमएम के लिए राहत है, और जो महागठबंधन की जो सरकार चल रही है झारखंड में उनके लिए राहत है, क्योंकि 3 से 4 महीनों में ही जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। हेमंत सोरेन जेल से ही लगातार जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे, विभिन्न योजनाओं को लेकर बातचीत कर रहे थे, जो सीटों का तालमेल है महागठबंधन के दलों के बीच उसको लेकर बातचीत चल रही थी, और चुनाव में क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या तैयारियां होगी। तो अब जो है हेमंत सोरेन के लिए सहूलियत होगी, हेमंत सोरेन जब बाहर होंगे तो वो अपनी तैयारियों को किस तरीके से अंजाम देंगे, अपने समर्थकों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने गठबंधन महागठबंधन के नेताओं के साथ, अपने सरकार की योजनाओं के साथ उनको एक तरीके से सहूलियत होगी। तो अब देखना होगा कि जमानत में क्या जो है बिंदु है, उस पर हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी राहत है हेमंत सोरेन के लिए कि उनको दिवाकर उसके बाद जो वो पॉइंट रहेंगे उनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन दिवाकर, जैसा आप बता रहे की कुछ ही वक्त में वहां पर चुनाव है, पार्टी के लिए तो ये अच्छा हो गया, आगे की रणनीति हेमंत सोरेन बाहर आकर बना पाएंगे, लेकिन ये जमीन घोटाले का जो दाग छवि के ऊपर लग गया है उसको झारखंड की जो जनता है वो क्या स्वीकार कर पाएगी? देखिए, निसंदेह ये बड़ी बात है, क्योंकि महागठबंधन पर लगातार बीजेपी हावी रहा है। बीजेपी इन्हीं मुद्दों को लेकर, जमीन घोटाला हो या अवैध पत्थर खनन घोटाला हो या तमाम जो मनरेगा से जुड़े घोटाले हो, लगातार जो है राज्य के बड़े अधिकारी जो है सलाखों के अंदर हैं और लगातार नए खुलासे होते जा रहे हैं, कई लोग रडार पे हैं। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को देखना होगा कि हेमंत सोरेन इन सारे जो है आरोपों का, विपक्ष के हमलों का किस तरीके से जवाब देते हैं। जेएमएम के लिए मुश्किलों भरा ये रास्ता है। अब विधानसभा चुनाव में किस तरीके से वो सत्ता को जो है बरकरार रख पाते हैं उनके लिए चैलेंजिंग है, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पे जेएमएम और जो महागठबंधन के नेता हैं उनके लिए राहत है, क्योंकि हेमंत सोरेन बड़े नेता हैं, जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और जेएमएम की जो स्ट्रेटजी है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि कल्पना सोरेन ने जो है पूरे कैंपेन का जिम्मा उठाया, और 5 जो सभी जो ट्राइबल के लिए आरक्षित सीटें हैं, ये माना जाता है कि हेमंत सोरेन जो ट्राइबलों की जो सीट है उसमें उनका मजबूत जो है किला है उसको उन्होंने बरकरार रखा, और विधानसभा चुनाव में चैलेंज है कि वो बीजेपी के हमलों का किस तरीके से जवाब देगी, क्योंकि जांच एजेंसियों के जांच में लगातार नित्य नए खुलासे हो रहे हैं और सारी शक की सुइयां जो है हेमंत सोरेन या उनकी सरकार की तरफ जा रही है। दिवाकर, पार्टी की तरफ से कोई अभी तक बयान सामने आया है क्या?
देखिए पार्टी की तरफ से बयान नहीं आया, लेकिन पार्टी की तरफ से जब 13 जून को दोनों पक्षों की दलील पूरी हो गई थी और कोर्ट ने जो है आज का दिन सुरक्षित रखा था फैसले के लिए, तो उससे पहले लगातार पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन को इस बार जमानत मिलेगी और जब जमानत मिलेगी तो वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों को तेजी से अंजाम देंगे। तो ऐसे में जरूर राहत की खबर है और जेएमएम के नेताओं की प्रतिक्रियाएं अब धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उन्होंने पहले ही कहा था जब 13 जून को फैसला सुरक्षित रखने की बात हुई थी, हाईकोर्ट से बात आई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि जब हेमंत सोरेन बाहर होंगे तो उनके लिए राहत भरी बात होगी। और